हाय नमस्कार भाभी जीयों को मेरा बहुत सारा प्यार और बहुत सारा नमस्कार। आपकी मिताली भाभी हूँ, आप सभी जानते हैं। तो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि मैं अपना मेकअप किस तरह करती हूँ। एक्चुअली हम लोगों को इतनी जल्दी जल्दी मेकअप करने की आदत पड़ गई है अभी, क्योंकि फटाफट शॉट चेंज होता है। कई बार हमें कॉस्ट्यूम एक दिन में दो दो तीन तीन कॉस्ट्यूम चेंज करनी पड़ती, तो किस तरह हम मेकअप करते हैं फटाफट। और मुझे तो इतने साल हो गए हैं इंडस्ट्री में, तो मैं अब अपना मेकअप खुद करने लगी हूँ। तो आज मैं आप लोगों को थोड़े से टिप्स देना चाहती हूँ कि मैं अपना मेकअप किस तरह करती हूँ। तो आइए मेरे साथ। ये बेस है, तो बेसिकली ये काफ़ी समय तक टिक पाता है हम लोगों के फेस के ऊपर, तो हम लोग ये यूज़ करते हैं। बहुत समय तक, क्योंकि हम लोग की 12 आवर शिफ्ट होती है, तो हम लोगों को काफ़ी थिक मेकअप यूज़ करना पड़ता है इनिशियली, और फिर वो धीरे धीरे अपने आप मर्ज होता जाता है स्किन के अंदर। बेस बहुत से लोग स्पंज यूज़ करते हैं, वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन क्योंकि मैंने बड़ा बेसिक मेकअप सीखा है कि जो पुराने ज़माने के मेकअप दादा लोग होते थे, वो लोग बोलते थे हाथ से जितना अच्छी तरह मर्ज होता है मेकअप फेस के ऊपर, उतना स्पंज से नहीं होता है। स्पंज आपके मेकअप मटेरियल को खा भी जाता है, हाथ में रहता है तो वो आपकी बॉडी को ही लग रहा है। तो वो आप ज़्यादा अच्छे से कितना प्रेशर डाल के आप उसको अपने स्किन के ऊपर रब कर रहे हो, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं अब इतने सालों से कर रही हूँ, तो मैंने स्पंज से भी करके देखा, हाथ से भी करके देखा, बट नाउ आई फील कि नहीं, दिस हैंड वर्क इज मच बेटर। कुछ भी कहे, मेकअप में केमिकल्स तो होते ही हैं, तो अगर आप कुछ मॉइस्चराइजर या क्रीम लगाते हैं तो एक लेयर उसकी बन जाती है, और उसके ऊपर फिर आप अपना मेकअप लगा सकते हैं। अब बेस लगाने के बाद पाउडर की एक लेयर होती है। नॉर्मली बहुत ही लाइट आई शेडोज यूज करती हूँ, ताकि मेरा जितने भी मेरे फेस की मतलब लाइक आंखें हैं या नोज है या लिप्स है, मैं सब जगह पर थोड़ी सी लाइट चीजें यूज करती हूँ, ताकि वो ज्यादा हाईलाइट हो जो एक्चुअल में है। तो नॉर्मल शेड है, ये ब्राउन शेड है जो मैं यूज कर रही हूँ। यूनिक चीज मानी जाती है कि आप बहुत प्रॉपरली आई शेडो लगा सकते हैं, और थोड़ी आंखें बड़ी हैं तो मुझे उस हिसाब से आई शेडो भी थोड़ा सा ज्यादा ब्रॉड लगाना होता है, ताकि मेरी आंखें और ज्यादा बड़ी दिखे। थोड़ा सा आईब्रोज और आईज के बीच में एक डिफरेंशिएट करने के लिए ये पुट किया जाता है, बहुत ही नॉर्मल सा है। तो आप मस्कारा ऊपर की तरफ लेकर जाए इस तरह से, जो आपका ब्रश है मस्कारा ब्रश, और जो नीचे की है उसमें नीचे लेकर आए, और जो साइड है उसको साइड इस साइड भी लेकर जाए, तो वो प्रॉपर एक शेप आ जाता है। जिस तरह आप देख रहे होंगे कि अभी एक प्रॉपर एक शेप आया है। छोटी सी टिप है ये कि जब आप लाइनर लगाते हैं या आंखों में काजल लगाते हैं तो थोड़ी सी मैच्योरिटी आती है। जब आप आंखों में काजल नहीं लगाते हैं या लाइनर नहीं लगाते तो छोटे लगते हैं, और जब ये सब दोनों चीज़ें लगा लेते थोड़े से मैच्योर, थोड़े से बड़े लगते हैं। जैसे अभी आप देखेंगे कि मेरा फेस बहुत सॉफ्ट और बहुत क्यूट लग रहा है। आप लोगों के लिए तो काफ़ी सारे लाइनर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, लिक्विड भी है। हम लोग कॉम्पैक्ट यूज़ करते हैं, क्योंकि ये हमें ज़्यादा समय तक टिकाना पड़ता है 12 आवर्स के लिए, तो हम लोग कॉम्पैक्ट लाइनर यूज़ करते हैं। यहाँ नहीं आना चाहिए ब्लश ऑन कभी भी, हमेशा चीक बोन जो है उस पर आना चाहिए बेसिकली। एंड लास्ट में लिपस्टिक। बहुत से लोग पहले लिप पेंसिल यूज करते हैं ताकि एक प्रॉपर शेप आ जाए, लेकिन मैं ब्रश से हमेशा लिपस्टिक लगाती हूँ, तो मुझे इसकी जरूरत नहीं होती है। किस तरह आपने देखा कि मैंने मेकअप किया है, तो पहले मैं क्या थी और अभी क्या हो गई हूँ, अब मैं मिताली भाभी लग रही हूँ, है कि नहीं? तो मैं थोड़ा सा अपनी वैनिटी के बारे में बताना चाहूँगी। जो मैं वैनिटी वहाँ यूज़ करती हूँ शूटिंग पर, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, ये थोड़ा सा अलग है।
तो लिपस्टिक के बहुत सारे शेड्स हैं मेरे पास में, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ लिपस्टिक ब्रश है, लाइनर ब्रश है, ये काफ़ी सारे शेडोज़ हैं। मैं जो आपको पहले ही बता रही थी कि हम लोग कई बार जब हमें कॉस्ट्यूम ड्रामा करना पड़ता है तो आर्टिफिशियल हम आई लैशेज भी यूज़ करते हैं। रशॉन है ये, जिस तरह मैंने एक नॉर्मल पाउडर यूज़ किया था इस तरह एक कॉम्पैक्ट पाउडर भी आता है। आई थिंक आप लोगों में से बहुत सी भाभियाँ इस तरह का यूज़ करती होंगी, इस तरह का आई थिंक आप लोग कॉम्पैक्ट यूज़ करते होंगे। इसको डायरेक्ट भी आप लगा सकते हैं, अगर आपको बेस नहीं यूज़ करना है तो इसे भी डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं आप। ये जो मैंने आपको बताया था हम लोगों का बेस है जो हम लोग कॉम्पैक्ट यूज़ करते हैं। ये काफ़ी सारे शेडोज़ हैं मेरे पास में, अलग अलग डिफरेंट शेड है। तो नॉर्मली अधिकतर मेरे पास में आपको लाइट शेड ही मिलेंगे क्योंकि मैं बेसिक यूज़ करती हूँ ताकि थोड़ी सी मेरी आंखें ज़्यादा दिखें, क्योंकि आप अगर शेडो लगा देते हैं बहुत ज़्यादा, हाँ अगर उस तरह का कैरेक्टर अगर मैं प्ले कर रही हूँ कि मुझे स्मोकी आइज़ बनानी है तो फिर मैं ब्लैक और ग्रीन कलर के आई शेडो भी यूज़ करती हूँ, जो उसमें भी आँखें बहुत अच्छी लगती हैं। तो बेसिक यही सारी चीज़ें हैं, कुछ बिंदियाँ हैं तो जो तो सबसे पहला श्रृंगार है औरतों का, तो मेरे पास में काफ़ी सारा कलेक्शन है बिंदियों का भी। तो जाते जाते क्या कुछ कुछ टिप देना चाहोगी भाभी जियों को जो आपको देखें? ऑफकोर्स टिप देना चाहूँगी, मैं भाभी जी को यही कहना चाहती हूँ कि जितना ज़्यादा आप अपनी लाइफ में खुश रहेंगी उतना ज़्यादा ग्लो आपके स्किन पर और आपके चेहरे पर बना रहेगा। तो लड़ाई झगड़ा कम करें, चुगलियाँ कम करें और सिर्फ खुशियाँ दें, लोगों को खुशियाँ बांटें, तो बस आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। और जितना इजी आपकी लाइफ रहेगी उतना ही आपकी स्किन सॉफ्ट और चमकती हुई रहेगी।